सुबह सुबह समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊं, और वही पराठे, रोटी, ब्रेड, ऑमलेट यही सब खा के ना बोरियत सी लग रही थी। तो मैंने कहा आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, सैंडविच बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये अंडे मैंने उबाल लिए थे, फटाफट से इनको छील लेती हूँ, ठंडे हो गए हैं तो इनको मैं छील लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अंडे को अच्छे से फोक की मदद से मैश कर लिया। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। तो इसको अच्छे से मैश करके अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट। ये मेरे पास लेटस है तो मैं एक डंठल बस लेटस का ले लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा, ठीक है। इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और इसे बारीक काट लेती हूँ। ये मैंने लेटस भी काट लिया है ना, और अब इसमें थोड़ा सा ये है ना, जब हम पिज्ज़ा वगैरह कभी मंगाते हैं तो उसके साथ ये एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो आप इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक डाल सकते हैं। तो ये चिली फ्लेक्स है, ठीक है। अब मैं इसमें मेयोनीज भी ऐड कर ले रही हूँ। तो ये डॉक्टर ओटकर का है वेज मेयोनीज। थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, क्योंकि एग के साथ पेपर बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो पेपर ऐड कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने ऑरिगैनो डाला है। और बस हमारा सैंडविच स्टफिंग तैयार है। ये हमारा सैंडविच स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब मैं फटाफट से इसको स्प्रेड कर लेती हूँ ब्रेड्स पे। इस तरीके से तरीके से काट लूंगी बीच में, है ना। तो ये आपकी एक स्लाइस हो गई, सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट, बिल्कुल झटपट रेडी हो जाता है। ये बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, हेल्दी भी है ना। तो आप इसको ट्राई कीजिए।